हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जूडिस फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फोटोशॉप में लिप्स के कलर्स को कैसे चेंज करते हैं। और मैं ज़्यादातर ट्रिक्स एंड टिप्स बताता रहता हूं, तो आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो मेरी एंड फॉलो भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर। बिफ़ोर ये है और आफ्टर ये है। कितना कलर अच्छे से दिख रहे हैं लिप्स पे। तो अब हम आज इसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस लेयर को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब सबसे पहले हम एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के। ओके, यहाँ से करते हैं। अब लिप्स के पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हमने अपने पार्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे पहले। राइट क्लिक के बाद हम फेदर लगा लेते हैं। फेदर हमने 4.8 का लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ इसके कलर्स को लगाने में, ठीक है। शिफ्ट F5 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये कलर्स दिख रहे होंगे कंटेंट में, कलर्स कलर्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको जौन सा भी कलर रखना है, वो आप कौन सा कलर रख सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कलर को फिल हो चुका है। अब मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड पे चलते हैं। ब्लेंडिंग मोड पे मल्टीपल रखते हैं, यहाँ से करते हैं। ओके, जो फर्स्ट वाली लेयर दिख रही है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिएगा, आपके इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसमें से कुछ में छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है, आप सीधे नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे इस वाले को अब खींचते हैं अपनी दाएं तरफ, ठीक है। अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट दबा के हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे कलर्स आ चुके हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया उस तरीके से कीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कंट्रोल डी, इसे डिसलेक्ट कर लिया मैंने। और बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हो। एक्चुअली एक्यूरेट कलर दिख रहे होंगे आपको, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमने अलग से कलर्स डाले हैं या अलग से लगाया है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।